तो आप इसे टेलीकॉम में 27 तारीख को आपने बेसिकली पहली क्लास ली थी, आपने ली थी काउंसलिंग क्लास, और उसके बाद में सेकंड टाइम आप आए 28 तारीख को, आपने पहला दिन किया। मैं जानना चाहता हूँ पहले दिन ही ईएमसी आपने कितनी बार रिबोल की सुबह? 5 बार। यस। उससे पहले आप रिबोलिंग या कुछ काम कर? नहीं, इससे पहले मुझे कुछ नहीं आता था। उसके कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ आपका? बहुत ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद मेरी कॉम्पिटेंट की क्लास हुई, उस कॉम्पिटेंट की क्लास में क्या लगा कि सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं और समझ में भी बहुत अच्छे से आया। तो उधर हमने आपको सिर्फ क्या थ्योरी थ्योरी कॉम्पिटेंट में बताया, 1-2 घंटे की क्लास और आपको घर भेजा, या बहुत डीप लेवल पे कॉम्पिटेंट पे गए? नहीं सर, क्लास 12-14 घंटे ही चली और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चला। आपका हार्डवेयर की अभी क्लास की बात करूंगा मैं फिलहाल। पहले दिन में हम जब भी थ्योरी सेक्शन उठाते हैं मेरे साथ, तो मेरे साथ सिर्फ थ्योरी होता है या प्रैक्टिकल भी होता है? नहीं सर, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होता है। और उसके बाद भी फिर खाना खाने के बाद आप फिर प्रैक्टिकल करने जाते हो एमडी सर के साथ, तो उस प्रैक्टिकल में क्या होता है? बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल होता है और सारा चीज सेक्शन बाय सेक्शन बढ़िया समझे। हाँ, चेक करते और बढ़िया बताया जाता है, वो आप सीपीयू तक जाते हो? यस सर। मैं जानना चाहता हूँ दूसरे दिन, पहले दिन आपने 5 बार ईएमसी रिबोल की, दूसरे दिन आपने सीपीयू डुअल डेकर वाला सीपीयू रिबोल किया? यस सर। कौन सी स्टेंसिल से रिबोल किया? यूनिवर्सल स्टेंसिल। और ये टुक्के में तो नहीं हुआ? नहीं सर, टुक्के में नहीं हुआ, समझ के और आपने अच्छे से किया? यस सर, अच्छे से किया और फुल कॉन्फिडेंस के साथ किया। ठीक है। उसके बाद फिर हमने और भी कॉम्पिटेंट टेस्टिंग सीखी, और कॉम्पिटेंट टेस्टिंग सीख रहे हम जब, तो हमारे को डाउट तो नहीं हो रहे थे? नहीं सर, नो डाउट, सब बढ़िया से हुआ। तीसरे दिन हमने लाइव पावर बनाया। यस सर, लाइव पावर। एक बार बनाया कि 2-3 बार? नहीं सर, बहुत बार लगाया, मैंने भी लगाया। लगाया आप? यस सर। आप झूठ तो नहीं कर रहे हैं? नहीं सर। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 दिन में लाइव पावर तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, एशिया टेलीकॉम में आकर एक बार देखे, सब पॉसिबल। सब पॉसिबल है। यस सर। यहाँ के टीचरों का नॉलेज कैसा है? बहुत अच्छा नॉलेज है, और कहीं ऐसा नॉलेज मिलेगा नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि 4th दिन में हमने सीपीयू डे था हमारा, हमारा कहने का मतलब है कि 4th दिन मतलब सीपीयू डन होना चाहिए, तो आपका सीपीयू डन हुआ था? यस सर, कितने बार डन कर चुका हूँ मैं। मतलब उसी दिन की बात करो कि उसी दिन आपने कितनी बार लगाया? नहीं सर, 5-6 बार उसी दिन लगाया मैंने पावर। तो पावर नहीं, सीपीयू की बात कर रहे हैं? हाँ, सीपीयू भी लगाया सर 4th दिन में। यस सर। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रिव्यू दे रहे हैं तो आप इस चक्कर में बोल रहे हैं, आपने पक्का काम किया? सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 100% अपना रिजल्ट भी देखा और मैंने काम भी किया, मुझे पहले ऐसा काम आता नहीं था, यहाँ आने के बाद सब पॉसिबल हो गया। इसका लाइव वीडियो भी डाला हुआ है आपका तो, है ना? यस सर, डाला हुआ है, और मैंने इतना अच्छा रिजल्ट सोचा नहीं था जो यहाँ मुझे आने के बाद मिला है। फिर उसके बाद आपकी बीबैट की क्लास हुई। देखो, मोबाइल रिपीटिंग इज ऑल अबाउट फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करना, कैसे जाना, सर्किट को समझना। तो हमने पहली बार बीबैट पैट्रिक रटर से हमने शुरुआत की, हमने लाइट सेक्शन पे गए, डिस्प्ले सेक्शन पे गए, ये सारी चीज़ों में सिर्फ टीचर ने काम किया या आपने खुद प्रैक्टिकल काम किया? नहीं सर, मैंने खुद सेक्शन बाई सेक्शन खुद सारा ट्रेस किया। जैसे अभी लाइट सेक्शन की बात करूँ या ऑडियो की बात करूँ, तो आपने ऑडियो आईसी को खुद वोल्टेज के साथ, लाइट ग्राफिक्स पूरे वोल्टेज के साथ चेक? हाँ, पूरा पिन पैड बाय पैड चेक किया एक एक लाइन। ऐसा तो नहीं कि बोर्नियो की लाइनों को पढ़ा देते हैं खाली? नहीं सर, प्रैक्टिकल भी हुआ, बोर्नियो हुआ, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बहुत बढ़िया से हुआ। बोर्नियो से ऊपर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते मेरे? यस सर। और इवन बोर्नियो की गलती भी बताते हैं कि नहीं बताते? यस सर, बिना बोर्नियो के भी मैं सारा सेक्शन फाइंड कर सकता हूँ। अब जैसे ऐसा तो नहीं है कि हम बोर्नियो वाले इंस्टीट्यूट तो नहीं है मेरे भाई? नहीं सर, बोर्नियो नहीं भी रहेगा तो भी मैं सारा सेक्शन चेक कर लेगा। अच्छा। फिर उसके बाद देखो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्टर भी निकाले हमने, ये नहीं प्लास्टिक कनेक्टर निकाले। आपने प्लास्टिक कनेक्टर कितनी हीट पर निकाले? 300-400 पे निकाला सर। हाँ। और क्या आपके वो खराब हुए क्या? नहीं सर, एक भी खराब नहीं हुए। सारे के एमडी सर से ट्रिकें मिली आईसीओ की, वो कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया रहा सर। आपने किया या सारे स्टूडेंट ने किया? नहीं, सारे स्टूडेंट ने किया। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि डेट सेक्शन में नेटवर्क सेक्शन का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि आज भी लोग नेटवर्क सेक्शन और डेट में फोन नहीं बना पा रहे हैं, कई जगह पे पढ़कर भी आ चुके हैं, क्योंकि बेसिक तो सभी पढ़ा रहे हैं पर वो कोर नहीं पढ़ा रहे हैं। नेटवर्क सेक्शन डेट सेक्शन की तो अपनी 6-7 घंटे की खाली थ्योरी क्लासेस चली है, प्रैक्टिकल, तो वो क्लासेस कितनी समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया समझ में आया सर। मेरा एक वीवो का फोन था, उसमें नेटवर्क आईसी लगा हुआ था 4G, जबकि वो 5G फोन था, तो मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला कि 4G और 5G नेटवर्क आईसी भी चेक करके ही लगाना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी आईसी लगा दिए तो नेटवर्क तो, हमारा। अच्छा, वो फोन आप ही का था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर PFO चेंज है ना, जबकि PFO पेयरिंग में नहीं लगा था उधर। अच्छा, अगर ये सब नहीं जानते, सर्किट का नॉलेज नहीं होता, तो नेटवर्क में तो आईसी बदलते रहते
रहते हैं? यस सर, बदलते रहता, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा। रिलैक्स कर लो। हाँ, तो मतलब ज़्यादातर जो यूट्यूब देख रहे हैं, जो दुकानदार हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे भाई तुम? नहीं, ऐसे बिना नॉलेज के मतलब रिपेयरिंग करने से कुछ होगा नहीं, जब तक नॉलेज नहीं रहेगा काम करना बेकार है। एक बार नॉलेज के लिए अपने को आना ही पड़ेगा। आना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, डेड फोन की बात करते हैं। डेड फोन एक बड़ा सेक्टर है। मैंने आपको क्या सिंगल पावर एसी पढ़ाया या दो या तीन पावर एसी भी पढ़ाया? नहीं सर, सिंगल डबल ट्रिपल सब पढ़ चुका हूँ मैं। हाँ, सब पढ़ी। और अंदर के सारी पैडलाइन, क्योंकि उस टाइम में बहुत लंबी क्लास चली थी और बहुत डिटेलिंग की है। अच्छा, सबसे अच्छी बात एसर टेलीकॉम की, आपको नोट्स में वीडियो नोट्स मिले हैं, राइट? यस सर, सारा मेरे पास वीडियो में नोट्स है और जो भी प्रॉब्लम होगा मैं बाद में वीडियो देख कर भी सीख सकता हूँ। इससे फायदा मिलता है बाकी में? बहुत फायदा मिलता है। ये अगर किसी और दिल्ली या कहीं जाते, भोपाल या कोई इंस्टीट्यूट में, तो क्या आपको वीडियो नोट्स मिल पाते हैं? नहीं सर, ऐसा रिजल्ट भी नहीं मिलता, वीडियो हर जगह मिलता भी नहीं है, कहीं नहीं मिलता, सिर्फ एशिया टेलीकॉम ही वीडियो प्रोवाइड करता है। वीडियो आपको मैं बताऊं, कोई नहीं देता पूरे इंडिया में, कोई भी नहीं देता। मतलब आप एक बेकार इंस्टीट्यूट का भी ले लो ना, जो त्रिपचिया इंस्टीट्यूट, उनका भी वीडियो, वो भी फॉर्म बंद करवाते थे, पता नहीं उनको कौन सा नॉलेज छुपाना है। मैं फाइनली पूछना चाहूँगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंबाइन बताइए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का नॉलेज कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा। सॉफ्टवेयर और MMC, सॉरी, बहुत बढ़िया रहा सर। मिलन सर बहुत अच्छे से पढ़ाए। और दुर्गेश सर कैसा पढ़ाया? दुर्गेश सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया है। दोनों का आउटपुट बढ़िया है आप लोग? बहुत बढ़िया है सर, जितना सोचा था उससे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट। और आपने सबसे बड़ी बात है CPU कॉम्पिटिशन भी खेला, राइट सर? एक CPU कॉम्पिटिशन खेलना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर, वो भी आपके लिए, क्योंकि आपने तो ICU पे काम भी नहीं किया। नहीं किया था सर। कभी आप सोच रहे थे कि मैं CPU कॉम्पिटिशन भी खेलूंगा? नहीं सर, फ्रेशर बंदा जितना सोच नहीं सकता उतना जल्दी यहाँ पे आने के बाद CPU या पावर लगा सकता है। आप कहाँ से हैं बेसिकली? बिहार से मैं हूँ। अच्छा, आपने डुअल डेकर की रैम भी बनाई? हेलो, ऐसा तो नहीं कि हमने आपको डुअल डेकर पे काम ही नहीं कराया? नहीं, डुअल डेकर का भी मैंने क्लास लिया, बहुत बढ़िया से सर ने बताया। आपने रैम जब बनाई, उसके बॉल जब आपने क्लियर किए, आप क्लीन किए और बॉलों को आपने फिर से रिबॉल किया रैम के अपर लेवल को, तो वो किस मतलब बहुत अच्छे से हुआ, इजी तरीके से हुआ? बहुत इजी तरीके से हुआ सर, बहुत बढ़िया मेथड बताया है मिलन सर, बहुत अच्छे से कर पाया मैं। नहीं, मिलन सर की तो क्लास आज सुबह हुई, MD सर की भी याद करो क्लास हुई थी रैम बनाने की, जिसमें आपने खुद प्रैक्टिकल किया था, क्योंकि अभी तो आपने क्लास में खाली देखा है, उस समय आपने खुद किया था, तो वो किया पे बताओ, उस पे वो तरीका कैसा था रैम? जिस डुअल डेकर का जो भी बॉल होता है 2 से 3 मिनट में मैं बना लेगा, क्योंकि MD सर ने बहुत अच्छा ट्रिक बताया है क्लीन करने का, जो बहुत मुश्किल होता है बॉल को निकालना डुअल डेकर का, होता नहीं है जल्दी। और ये आपने फ्रेशर स्टूडेंट को सिखाना बहुत बड़ी बात है। यस सर, फ्रेशर स्टूडेंट ऐसा सोच वो तो अभी पावर AC लगा रहा निकाल रहा है, उसे तो वो उसी से जूझ रहा होता है, राइट? महीनों सालों लग जाते हैं सर, मुझे खुद लग जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं पावर IC या CPU बहुत मुश्किल है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आने के बाद सब पॉसिबल है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी को, अगर आपका नंबर चाहिए या किसी को चाहिए कि आप मुझे गारंटी, आपने कहाँ प्लेस बताई अपनी? बिहार से मैं हूँ। बिहार से अगर कोई कहे कि भैया हमें इन भैया की गारंटी चाहिए, कि अगर हम नहीं सीख पाए तो आप पैसा, आप उसको पैसा देने को तैयार है? बताओ। हाँ बिल्कुल, यहाँ एक बार आकर देखे, एकदम 100% रिजल्ट मिलेगा, जितना सोचा नहीं उससे ज़्यादा। चलो, थैंक यू वेरी मच। और हम चाहते हैं कि आप अपने करियर को बहुत आगे बढ़ाएं और एक टेक्नीशियन से टीचर का सफ़र करें। मुझे पता है आपको टाइम लगेगा, पर ये टाइम आपका सही जर्नी है। आप जो रास्ते चल रहे हैं वो सीखने का वाला रास्ता है, अब वो भटकने वाला रास्ता नहीं है। अब आप जो भी काम करेंगे सही तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको सारे काम करने के तरीके बताए गए हैं और आपके पीछे बहुत सीनियर टीचर्स खड़े हुए हैं जो आपको बैकअप भी दे रहे हैं। एक फाइनल बात और पूछना चाहूँगा, मुझे बताइए 3 महीने के बाद आप इंस्टीट्यूट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? यस सर, बिल्कुल आ सकते हैं। कोई चार्ज नहीं लग रहा है, यहाँ पे आइए और फिर से आप अपना जो भी डाउट है क्लियर कर सकते हैं। और फाइनल एंड फाइनल, आपको यहाँ पर 3 महीने के बाद मैंने अपने iPhone का और 5G अपग्रेडेड कोर्स भी दिया है फ्री। हेलो, यस सर, फ्री है ना? यस सर। तो इतना सब कुछ मिल रहा है एसर टेलीकॉम से सिर्फ एक फीस में, जिसमें रहना खाना सब कुछ है, राइट? यस सर। और अगर आप कहीं भी 20-30 हज़ार भी देते, तो भी आप रहने खाने का देते तो भी 40-50 हज़ार तक तो पहुंच ही जाता, पर ये सब मिल पाता क्या? नहीं, ऐसा नहीं मिल पाता सर। टीचरों का जोश एनर्जी कैसी है? बहुत बढ़िया है सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिस्टर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया हो।
क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।